लखीमपुर में दो सगी बहनों की संदिग्ध मौत का पूरा मामला है। एसपी संजीव सुमन के ऊपर पीड़ित परिवार के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगाया गया है। संजीव सुमन पर बिना पंचनामा किए पोस्टमार्टम करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मां की शिकायत पर चार लोगों के खिलाफ हत्या और बलात्कार का केस दर्ज कर लिया गया है। मुख्य आरोपी छोटू समेत चार आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच के लिए अफसरों को लखीमपुर भेज दिया है। आपको बता दें कि आईजी लक्ष्मी सिंह को भी लखीमपुर भेजा गया है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि पेड़ से दो सगी बहनों के शव लटके हुए मिले थे, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले पर संज्ञान ले रही है। आशंका जताई जा रही है कि बाइक सवारों ने घर से अगवा करने के बाद दोनों बच्चियों का रेप किया और उसके बाद हत्या कर शव को पेड़ से लटका कर फरार हो गए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और इसी के साथ साथ लखीमपुर घटना पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा है कि यूपी में अपराधी बेखौफ है क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। कानून भी छेक देंगे पूरा और उसके बाद अब सही काम भी नहीं होने देंगे। कंट्रोल होगा, जिम्मेदारी आप ग्राम प्रधान नहीं सर, ये तरीका है तो सब पर दखल देने के लिए मुकदमा लेने के लिए सबके ऊपर फिट हो जाओ, साइड ले लो इसे। सामने बात करिए, आप मुकदमा लेते हैं। मैं सही बात बोल रहा हूं, नेतागिरी कर रहा है यहां पे। कौन है यहां का जिम्मेदारी आपके होगी, आप ग्राम प्रधान हो। मतलब सबके सामने खुलेआम बोल रहा हूं, मैं नेतागिरी कर रहा हूं। नहीं बात बताइए, आप भाई किसी को कोई धमकी नहीं है। देखिए एक सेकंड रुकिए, पूरा समाज यहाँ पे हम लोग पूरा समाज के साथ हम लोग हैं। आप पूरा समाज अगर चाहेंगे उठ के चलना, हम लोग लेके जाएंगे। मेरी जिम्मेदारी है, जिस गाड़ी में जाएंगे मेरी जिम्मेदारी है। जब तक नहीं कहेंगे हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन व्यवस्था नियम कानून को मत छेड़िए, रोड जाम करना गलत है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी पब्लिक है मेरे लिए। जितनी लोग चल रही है रोड पे वो भी पब्लिक है मेरे लिए। मैं इसके लिए गांव के बाहर खेत में पेड़ से लटके हुए दो बच्चियों के शव प्राप्त हुए थे। डायल 100 के लोग, डायल 112 के लोग तत्काल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया था। प्रायमा फेसी दोनों बच्चियाँ अभी दुपट्टे से हानिहीन अवस्था में पाई गई हैं। शरीर पर जाहिरा तौर से कोई चोटें नहीं पाई गई। बाकी की जितनी चीजें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएंगे। परिवार वालों से अपील की जा रही है, वो जैसा भी लिख कर देते हैं हम वैसा ही बयान लिखने को देंगे और आगे की भी कार्रवाई इस पर हम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन बच्चों को न्याय और इंसाफ दिलाया जाए। जो पोस्टमार्टम होगा वो विशेषज्ञों के पैनल के द्वारा इन वीडियो तक लिया जाएगा, जिससे कि सभी चीज़ें साफ हो सके।